आर्या को अपने भारत देश में ना देंगे, आप सबके साथ की बहुत समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन वालों एक महिला के नाल मीडिया नु संबोधित किया गया। आप लोगों के सामने मैं ची खोली गई है। रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सिज नॉर्वे फिल्म नू धारा शाह की कहानी कहा जाना गलत नहीं होगा। फर्क बस इन्ना है कि वह फिल्म यूरोप के नॉर्वे मुल्क की कहानी सी ते धारा शाह नाल अजिहा ही कुछ जर्मनी छो। जी हाँ, जर्मनी विच धारा शाह की 7 महीने की बच्ची अरिहा शाह नू प्रशासन वालों खो के फॉस्टर केयर विच भेज दिता गया। इस गल नू हुण तकरीबन 2 साल होने वाले ने ते एक मासूम मापियां तो दूर गैर मुल्क विच गैरां दे हत्थां विच वड्डी होण नू मजबूर। मैं धारा शाह को प्रेजेंट कर रही हूं। ये जर्मनी से आई हैं, इनकी बच्ची अरिहा शाह को जर्मन गवर्नमेंट ने या वहां की संस्था ने, जो संस्था है उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 2 साल हो गए हैं, वापस नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास आई विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ टू सीक हेल्प फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस। कैसे बताएं, ये लगातार जो है एक कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने बहुत ही ज्यादा सख्त स्टैंड लिया हुआ है। हम उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी करेंगे, जर्मन एम्बेसी के लोगों को भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। गुजरात में एक संस्था है जहाँ जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहाँ की सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं और वो फॉस्टर होम में रखें, और उसके बाद जो भी जजमेंट उसके ऊपर देना है वो हिंदुस्तान की सरकार करे, जर्मनी की सरकार। धारा शाह ते उन्हां दे पति भावेश शाह साल 2018 तो जर्मनी विच रह रहे सन। ते साल 2021 विच जदों अरिहा महज 7 महीने दी सी, घर विच ही उसके प्राइवेट पार्ट ते कोई सट वज गई, जिस तों बाद उसके मापे उसनू डॉक्टर को लै गए। डॉक्टर वालों इलाज तो बाद उन्होंने घर भेज दिता गया, पर जदों दूजी बार चैकअप के लिए शाह चोड़ा अपनी बच्ची नू डॉक्टर को लैके गया तो उत्थे कह के बच्ची नू चाइल्ड केयर यूनिट नू सौंप दिता गया कि बच्ची का शरीरक शोषण होया। हालांकि बाद दे विच इल्जाम गलत साबित होए, पर इसके बावजूद बच्ची की कस्टडी उसके मापियां नू नहीं दिती गई। बच्ची को एक्सटर्नल जेनिटल एक्सटर्नल पेरिनियल एरिया में चोट लगी थी, डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को उन्हें दे दिया। शुरू में उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का झूठा आरोप हम पे डाला, लेकिन हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड इन दिसंबर 2021, एंड फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो भी केस क्लोज हो गया। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे, फैमिली कोर्ट ने हमें बच्ची नहीं देने का ऑर्डर दे दिया। हम यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्ची इंडियन सिटीजन है, उसे इंडियन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर इंडियन परिवार में बड़ा होना चाहिए, उसे इंडिया लाया जाए। हम हमारी जो भी प्रोसेस है हम करेंगे, लेकिन बच्चे का हक है कि वो इंडिया आए। पहले भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं नॉर्वे से, यूएस से, तो हमारी बच्ची अरिया को भी